मैं चाहूंगा हमारे बीच भारतवर्ष के बहुत उच्च कोटि के मनीषी स्वामी रितत्पति जी महाराज विराजमान हैं, वो आए और अपने मुखारविंद से अपने प्यारे प्यारे बच्चों को आशीर्वचन दें। सभी बच्चे एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, सीधे बैठ जाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। शिविर के आज इस सत्र में मंच पर उपस्थित पूज्य चरण स्वामी वृंद, इस शिविर के महानायक महासंयोजक आदरणीय आचार्य धर्मबंधु जी, दिग्गज हस्तियां आदरणीय श्री मुकेश खन्ना जी तथा प्रिय छात्र छात्राओं, आपको पिछले दिनों से अब तक बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई गई हैं, आप उनको नोट करते रहते हैं। एक बात नोट करना, आपने श्लोक पढ़ा हो तो ठीक है, ना पढ़ा हो तो आप बोल लें, बोलिए अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोप सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इस श्लोक का क्या अर्थ है जानते हैं आप? नहीं जानते तो जानिए, और जो जानते हैं वो अपना दोहरा लेंगे। जो बच्चे, जो विद्यार्थी, जो छात्र छात्राएं अपने से बड़ों का अभिवादन करते हैं, आदर करते हैं, नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके चार चीजें बढ़ती हैं। बोलो कितनी चीजें बढ़ती हैं, गिन लो और बोलो भी। आयु, विद्या, यश, बल। तो आपको ये चार चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको? अभी तो बतलाया, बड़ों का आशीर्वाद लेना होगा, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, आपसे पूछें कि कब कब प्रणाम करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए, कौन बतलाएगा? कितने अवसरों पर करना चाहिए, उसको कम से कम में कितने में विभाजित कर सकते हैं? अच्छा, तो चार अवसर जान लीजिए, चार लिख लेना, कब कब नमस्ते प्रणाम करना चाहिए। जब सबसे पहले प्रातः काल उठते हैं, तो जब भी बड़े मिलते हैं, माता पिता, बड़े भाई, दादा दादी आदि, उनको प्रणाम करना चाहिए। हमारे यहां प्राचीन शास्त्रों में प्रणाम करने की रीति लिखी है, सव्येन सव्यो स्पृष्टव्यः दक्षिणेन च दक्षिणा। जब प्रणाम करें माता पिता को, गुरुजनों को, तो दाहिने हाथ से दाहिना पैर और बाएं हाथ से बायां पैर छूना चाहिए। इसलिए जब वो सीधे सीधे बैठे रहते हैं, जैसे हमारे ये सब आदरणीय बैठे हुए मुकेश खन्ना जी को छोड़ करके, पैर सीधे हो तो हम ऐसे हाथ कर लेते हैं जिससे दाहिने पर दाएं और बाएं पर बायां पड़े।
और जब इनके पैर ऐसे हो तो फिर ऐसे के ऐसे ही छू लो तो दाहिने पर दाएं और बाएं पर बाया पड़ेगा। ये मैंने एक रीति बतलाई, अन्यथा हाथ जोड़ करके हृदय के पास ला करके सिर झुका करके प्रणाम पिताजी, प्रणाम माताजी, नमस्ते माताजी, नमस्ते पिताजी, नमस्ते दादाजी, नमस्ते दादी जी कह करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो चार चीजें बढ़ जाएंगी, आयु, विद्या, यश और बल। देखो बच्चों, कभी कभी जब मुझसे कोई पूछते हैं भाई शरीर के स्वास्थ्य का क्या रहस्य हो सकता है, थोड़ी सी बात बतलाएं। मैंने एक बार यहाँ पर अहमदाबाद में मैं अपने गुरुजी महाराज से मिलने आया था आशीर्वाद लेने के लिए, रोजड़ में आर्यवन में, अहमदाबाद से 75 किलोमीटर दूर है, और मैं जाने वाला था लौट करके। तो वो रिजर्वेशन फार्म भरा तो उसमें मैंने अपनी उम्र शायद उस समय, इस समय तो 56 है 55 भर दी, 54 भर दी, जो भी था, और मैंने उसको दिया वो क्लर्क को। तो फिर वो मुझे देखता है, फिर कहता है कि ये आपने सही भरा है उम्र? हाँ, मैंने कहा मुझे झूठ भरने का उसमें क्या आवश्यकता है। तो बोलता है आप तो लग तो नहीं रहे हैं, आप तो ऐसे 40 के लग रहे हैं, 45 के लग रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने जो भरा है यही मेरी उम्र है। फिर वो कहता कि तो आपके स्वास्थ्य का रहस्य क्या है? तो मैंने थोड़ी सी बात बताई, वो आप भी याद रखना। मैंने कहा कि शुद्ध सात्विक अन्न ग्रहण करो और पीने में क्या पियो, पानी पियो, गन्ने का रस पियो, छाछ पियो, उल्टे सीधे मत पियो, कौन वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मत पियो, फिर वो आपके लिए छोड़ता हूं। बच्चों को तो पीने ही नहीं चाहिए। आदरणीय मुकेश खन्ना जी कह रहे हैं चाय के बारे में भी कह दीजिए, तो चाय नहीं पीनी चाहिए। यही बड़े बड़े लोग बतलाते हैं कि निकोटीन जैसी जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक चीज है इसमें रहती है, हमें क्यों पीना चाहिए। और शुद्ध स्थान पर, शुद्ध वातावरण में, शुद्ध वायु में, जहां ऑक्सीजन की मात्रा हो वहां पर बैठ करके प्राणायाम कर लो, आसन व्यायाम करो और निश्चिंत रहो। निश्चिंत वो रहेगा जो कभी बुरा काम नहीं करेगा, जो चोरी करेगा, जो हिंसा करेगा, जो अनियमित जीवन जैसा भी आदरणीय आचार्य धर्मवंत जी बतला रहे थे, व्यभिचार करेगा, ऐसा व्यक्ति चिंतित रहता है। इसलिए निश्चिंत जीवन रहे तो स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, तो इसलिए इसका आप ध्यान रखेंगे। मैं अब अपने खास विषय पर आता हूं और वो है बच्चों, देखो आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा सुख क्या हो सकता है और सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है, कौन बताएगा? सबसे बड़ा दुख, चलो आपका जो भी उत्तर होगा मैं कुछ बात आपके सामने रखता हूं। कई बार आदमी सोचता है मैं बड़ा भारी रोगी हो गया, दुख हो गया, भाई ये दवाइयों से ठीक हो सकता है। लेकिन एक ऐसा दुख सामने आता है वो दवाइयों ववाइयों से वो ठीक नहीं होता, वो होता है मौत का दुख, मरने का दुख। इससे कैसे बचा जाएगा? और तो सबके कुछ कुछ उपाय हो भी सकते हैं। अच्छा चलो, ये आपने नहीं बताया था तो अब मैं पूछता हूं कि सबसे बड़ा सुख क्या हो सकता है, कैसा होगा वो सुख? अगर संसार के लोगों में पूछा जाए सबसे बड़ा सुख कैसा हो सकता है, भाई क्या होना चाहिए? हाँ कोई बालक नहीं, तो चलो सुनो। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल पूरा स्वस्थ हो, उसको रोग बिल्कुल भी ना हो, एक, और पूरा युवा हो, सारी इंद्रियां उसकी बिल्कुल ठीक ठीक काम करती हो,
क्या आंख, क्या कान, क्या नाक, क्या जीव, क्या त्वचा, सब कुछ। फिर वो पूरे संसार का राजा हो, पूरे संसार का राजा, और सारे संसार के लोग उसके सदा अनुकूल हो, कभी विरोध में जाते ही ना हो, और जो कुछ भी उसकी आवश्यकताएं होती हो वो झटाझट पूर्ण हो जाती हो। और ऐसा व्यक्ति 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल जीता रहे तो इससे बड़े सुख की आप कल्पना कर सकते हैं क्या? हाँ जी, मैंने बतलाया, यहां बहुत युवक बैठे हैं, इधर कुछ ज्यादा शायद पढ़े लिखे समझदार ज्यादा हो सकते हैं। इससे बड़ा सुख हो सकता है क्या, कल्पना कर सकते हैं? पूर्ण युवा हो, पूर्ण स्वस्थ हो, पूरी धरती का राजा हो, सब लोग उसकी आज्ञा मानते हो, कभी कोई विरोध ना करता हो, सदा प्रशंसा ही करता हो, और 100, 200, 300, 400 साल जीता हो, तो इससे बड़ा सुख तो शायद भूमि का सुख तो नहीं हो सकता। इसी को हमारे शास्त्रों में एक मानुष सुख कहा गया है। अब ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों, और यहां तक कहा कि 31 नील, 10 खरब और 40 अरब वर्षों तक ऐसी स्थिति बनी रहे तो इससे बड़ा सुख की आप कोई कल्पना कर सकते हैं? कितनी संख्या बतला दी मैंने, हैं? चलो 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्षों तक आनंद में रहना, और वो होता है ईश्वर की प्राप्ति में, भगवान की प्राप्ति में। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना करनी चाहिए। प्रतिदिन भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए। समय हो रहा है, फिर कभी समय मिलेगा तो आगे बात बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ओम।